प्राइम में बड़ा सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर से लूट की कोशिश नाकाम, मचा हड़कंप। मामला प्रयागराज की नगर पंचायत कोराव का है, जहां इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर बाइक से आज दोपहर नगर पंचायत कोराव से मेजावाली रोड बसरा बैंक जा रहे थे, तभी पीछे से सिरियारी गांव के पास तीन अज्ञात बदमाशों ने अपाची बाइक से पहुंचे, मैनेजर ब्रिजेश केसरी पर चाकू से प्रहार कर दिया और लगभग 5 लाख को अपने पास ले लिया। इसके बाद मैनेजर लहूलुहान होने के बाद भी हार नहीं माने और वे उनसे पैसे बचाने के चक्कर में भिड़ गए, जिसके बाद बदमाशों ने चाकुओं से और तमंचे की बट से सिर पर प्रहार कर दिया, लेकिन मैनेजर ने पैसे से भरा बैग को उठाकर खेत में फेंक दिया, जिससे बदमाश लूट के मसूबे में नाकाम हो गए। वहीं मौके पर सूचना के बाद बैंक मैनेजर के परिजन पहुंचे, अस्पताल में भर्ती कराया। मैनेजर की हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। वहीं कोराव इलाके में लगातार लूट जैसी घटनाएं होती चली आ रही है। बदमाशों के मन में प्रशासन का कोई खौफ नहीं दिख रहा, जिससे दिन दहाड़े बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। सिरियारी के पास वहाँ पे जो है कुछ बदमाश अराजक के तत्व या गुंडे किस्म के लोग ये उसको घेरे, हो सकता है मुखबरी से भी पीछे लगे हों, मुखबरी से ही पीछे लगे, पीछे लग के सिरियारी के पास वहाँ पे लूटपाट करने की कोशिश की और उसको मारा भी, उसने अपने दम तक लड़ा भी, जहाँ तक उसको संघर्ष करना था उसने संघर्ष किया। उस संघर्ष में बाद में वो हार गया, उसके क्योंकि जो है ब्लड आने लगा, गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उस इकट्ठे में जो है उसकी जान बच गई और वो सेफ जो है सुरक्षित है। अच्छा, लगभग कितना पैसा लेके यहाँ से निकले हुए थे? अब ये कैश मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं, क्या ले गए क्या नहीं ले गए, मतलब कैश था कुल मिला के? कैश था जो, उनका इरादा यही था लूट का? लूट का इरादा ही था जो है, लूटपाट का ही इरादा था। प्रयागराज से सौरभ सोनी की एक रिपोर्ट।